सामने देखिए ना मैं गाने के क्या है और गाने का सिचुएशन क्या है, किस सिचुएशन पे गाने फिल्म आ गया? सो ये फन गाना है एंड इट्स अ टिपिकल आइटम नंबर जो होता है बॉलीवुड का. वेरी नाइस सॉन्ग कंपोज्ड बाय सावन जी, सावन कुमार सावन जी. एंड कैची है इसके. एंड सॉरी आपका नाम मोती सुल्तान मोदी मोती मोती सुल्तानपुरी जी ने लिखा है. बहुत अच्छे शब्द इसके. एंड सावन कुमार सावन जी ने म्यूजिक दिया है. इट्स अ ब्यूटिफुल ट्रैक एंड वेरी कैची, वेरी फन. और इसके बोल है लैला कैसे पटेगी रे लौंडे, खोट है तेरे भीतर. सो क्वाइट इंटरेस्टिंग. यस. पर आमतौर पर आप किस तरह के गाने गाने पसंद करती हैं, मतलब सॉफ्ट मेलोडी या अभी जो गाना था ये तो? आई थिंक मैं हर किस्म के गाने गाती हूँ. आई लाइक टू कीप एक्सपेरिमेंटिंग विद माई वॉइस, फास्ट स्लो, यू नो एनी थिंग बेसिकली, वेस्टर्न इंडियन एनी थिंग. आपसे पूछना चाहूंगा, मैंने गाना रिकॉर्डिंग किया, कितनी खुशी की बात है आपकी फिल्म के लिए, कितना फैक्टर काम करेगा ये जो गाना करके हिट होता है तो? या रियली इट्स वेरी पैपी सॉन्ग और तीशा ने गाया है. सो आई होप कि लोगों को तीशा की वॉइस अच्छी लगे और गाना जितना पैपी है उतना ही पैपी अंदाज में गाया है, तो मुझे बहुत उम्मीद है. सोनू निगम जी का बर्थडे आज, कोई खास सेलिब्रेशन हो रहा है? यस ऑफ कोर्स. हाँ सेलिब्रेशन हो रहा है, शाम को इवनिंग में होगा अभी, इनफैक्ट कुछ घंटों बाद. सो इट्स नाइस. या और कुछ खास तोहफा भाई के लिए अपने? नथिंग, जस्ट बेस्ट विशेस. आप बताइए तीशा निगम जी जारी कर रही है इस गाने के लिए, मतलब इस फिल्म के लिए, तो कितना लग फैक्टर काम करेगा अगर गाना हिट होता है तो? गाना हिट होगा ना तो सबसे पहले तो मैं जो है तीशा को मैं थैंक्स बोलूंगा. और जैसे गाना जिस तरीके से गाया है तीशा ने, रियली बहुत अच्छा गाया. और आप लोग जो है बस इस गाने को मैं समझता हूँ कि भगवान से दुआ कीजिए कि ये सुपर डुपर हिट हो जाए ये गाना तीशा का. और रियली कल जो ममता ने ये गाना गाया था, इससे पहले जो है वो भी गाना बहुत अच्छा था हमारा. और ये जो गाना हुआ है, इस गाने को सुनने के बाद मुझे कहीं ना कहीं एक मतलब मैं कहूंगा ये लगता है कि ये गाना हिट होगा, ये जो कल ममता ने गाया है. पर रियली मैं तो यही दुआ करूंगा भगवान से कि ये मेरी फिल्म के दोनों गाने सुपर डुपर हिट हो जाए. और मैं तीशा को रियली दिल से थैंक्स बोलना चाहूंगा. तीशा जी, आप जब भी कोई प्रोजेक्ट साइन करती हैं मतलब गाने के लिए, तो आप सोनू जी से एडवाइस लेती हैं इस बात को लेकर? बिल्कुल भी नहीं. प्रोफेशनल लाइफ अलग है, पर्सनल लाइफ अलग है. अच्छा, आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं, एल्बम या फिल्म की बात करें तो? नथिंग मच, आई एम जस्ट वर्किंग ऑन टू सिंगल्स राइट नाउ. सो होपफुली इन अ फ्यू मंथ्स, टू थ्री मंथ्स यू शुड सी इट सून. थैंक्स. तीशा निगम जी ने गाना गाया आपके लिरिक्स पे, कैसे महसूस कर रहे हैं? मैडम ने गाया और बेहद खुशी हुई हो रही है मुझे, और मैडम के साथ ये पहला सॉन्ग था मेरा, और उम्मीद भी करता हूँ बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलेगा मार्केट में भी. और गाने के बोल का सिचुएशन क्या, मतलब किस सिचुएशन पे आपने ये गाना दिखाया? बस थोड़ा डिमांड था कि कुछ आइटम सॉन्ग हो, हटके हो, तो सावन कुमार सर जी ने मुझसे इस मैटर को लेकर बात की, तो उस हिसाब से मैंने ये बोल तैयार किए थे. और आज के दौर में जो गाने के लिरिक्स आते हैं उसके बारे में कुछ कमेंट करना चाहेंगे आप? नहीं, मैं आज के मैं वो चाहता हूँ ना कि जो भी सॉन्ग मैं लिखूँ तो उसको ये ना हो कि चार दिनों में लोग भूल जाएं, कुछ यादें रहें मार्केट में, लोगों के दिलों में रहें. और जैसे अभी मैं अगम कुमार निगम सर के साथ में दो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, वफाएं और बेवफा ढोलना भी कर रहा हूँ मैं, उसमें भी आठ आठ सॉन्ग मेरे ही हैं, मेलोडी शायद सॉन्ग है. आप फिल्म प्रोड्यूसर सर करण ममता शर्मा जी का लीड सॉन्ग, आज तीशा निगम जी, तो इतने सारे सिंगर्स एसोसिएट हो रहे हैं प्रोजेक्ट से, तो कितना अच्छी, कितनी अच्छी बात इस प्रोजेक्ट के लिए? देखिए गाने तो जैसे आज गाए गए हैं, कल का गाना और आज का भी, आज के हिसाब से गाए गए हैं. ऐसे गाने आज की जो जनरेशन है जैसे यूथ थोड़ा लाइक करते हैं, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा नाचना गाना होता है उसमें यूथ ज्यादा लाइक करता है. और लिरिक्स इसका बड़ा हटके है, लिरिक्स का इसका सारा एक एक थोड़ा डबल मीनिंग भी है,
तो उसमें थोड़ा सस्पेंस रहता है, तो उस लिहाज से गाने तो हमारे हिसाब से हिट हैं। आगे अभी आप कितना इसको कवरिंग देते हैं और ऑडियंस कितना इसको लाइक करती है, उस हिसाब से देखो हम तो विश करते हैं कि अच्छा ही हो। थैंक यू। बहुत अच्छा गाना गाया उन्होंने, बहुत अच्छे तरीके से गाया और गाना भी बहुत अच्छा था, और जो लहजे में गाना था वही लहजे में उन्होंने गाया, और उनकी आवाज काफी प्यारी है। और इस फिल्म में पहले जो ममता जी ने भी गाया वो भी बहुत प्यारा गाना था, और मेरी बेस्ट विशेष है कि ये गाना बहुत चले और चलना ही चाहिए, क्योंकि गाना बहुत प्यारा था और गाने वाले दोनों बहुत प्यारे थे। तो ये गाना मेरी शुभकामना है और ये चलेगा। ये सॉन्ग दोनों सॉन्ग बहुत अच्छे थे और गाए भी बहुत अच्छे तरीके से। थैंक यू। मैं बताऊं आपको, जब गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो सबसे जब गाना ये तिशा जब गा रही थी ना, तो जैसे जितनी ये आप जैसे आपने देखा होगा कि जितनी खूबसूरत आपकी ड्रेस है, जितनी खूबसूरत है, उसी तरीके से खूबसूरती के अंदाज में जो है ना, मतलब बड़े गुनगुना रहे थे। तो मैं समझ गया था कि गाना जो है आपको बहुत अच्छा लग रहा है, और आप जो है हमारे ऊपर शुभकामनाएं हैं कि ये आगे भी हम लोग इस तरीके से जो है काम करते रहेंगे, और ये हमारे बहुत जैसे कहते हैं ना खास, वो एक शख्स हैं जो हमारे हर दुख सुख में हमारे साथ रहते हैं।